अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाफिज साद, न्यू टीचर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रेड 10 एंड आवर टॉपिक इज नवाज शरीफ सेकेंड गवर्नमेंट एरा, नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत. ये हमारा आज का टॉपिक है. स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज गिवन ऑन पेज नंबर 19 इन योर इंग्लिश मीडियम बुक्स और उर्दू मीडियम की किताबों में. ये टॉपिक पेज नंबर 20 के ऊपर, सफा नंबर 20 के ऊपर उर्दू मीडियम की किताबों में दिया हुआ. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर प्रॉपरली, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियोज. वन मोर थिंग इज दैट यू विल हैव टू सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ऑल द पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस of this topic are given there. You people have to note down these short questions and then during our lecture inshallah we'll try to discuss and answer these questions. Okay, now we'll start our lecture properly. First of all, we'll see a bit of background of this topic. In Pakistan, general elections were held in February 1997. Those were the seventh general elections in the history of Pakistan. In those elections, the leader of PMLN, Pakistan Muslim League, known Mia Muhammad Nawaz Sharif, won the elections. His party got 2/3 majority in those elections and he became the 14th Prime Minister of Pakistan. 1997 फरवरी के जो इलेक्शंस थे, जो पाकिस्तान के सातवें आम इंतखाबात थे, उन इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत मिली थी. कौमी असम्बली की 2/3 सीटें उन्होंने जीत ली थी और पीएमएलएन के जो लीडर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए. 14वें वज़ीर आज़म थे वो पाकिस्तान के और बतौर वज़ीर आज़म ये नवाज शरीफ का दूसरा टेन्योर था, जो कि स्टार्ट हुआ था फरवरी 1997 में और अक्टूबर 1999 में एंड हुआ. दिस वॉज अ बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक. नाउ वील डिस्कस द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ. आर फर्स्ट पॉइंट इज रेजिग्नेशंस, उर्दू में है इस्तीफे. इन 1997 the chief justice of Pakistan was Justice Sajjad Ali Shah and the president of Pakistan was Mr. Farooq Ahmad Laghari. Right after 1 month of becoming prime minister, Nawaz Sharif got some differences built with chief justice of Pakistan. Wazir Azam banne ke ek maah ke andar hi Nawaz Sharif ke batour Wazir Azam चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ कुछ इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए. अब ये इख्तलाफात किस तरह के थे या किस नौइयत के थे, ये डिटेल्स हमारी बुक्स के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन शॉर्टली अगर हम उसको देखें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान हैज़ पास द बिल ऑन दैट टाइम इन विच द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज डिक्रीज्ड. सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद को कम कर दिया गया था, 17 से कम करके 12 कर दिया गया. चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लिया, सोमोटो एक्शन लिया और उन्होंने इस बिल के जो डिटेल्स थी उनसे इख्तलाफ करते हुए इस बिल को कैंसिल कर दिया. उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऑलरेडी जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, जजेस कम हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ड्यू टू विच बहुत लंबे अरसे तक केसेस पेंडिंग रहते हैं, डिसीजंस नहीं हो पाते हैं. तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस अगर नंबर ऑफ जजेस को और भी ज़्यादा कम किया गया तो दैट विल क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम्स इन द कंट्री. ड्यू टू दिस द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस स्टार्टेड and those differences escalated with every day passing. हर गुजरते दिन के साथ ये अख्तलाफात शदीद होते चले गए और फाइनली सिचुएशन ये बन गई दैट आर्मी हैड टू इंटरवीन
those differences were finally resolved through army intervention. फोर्स ने मदाखलत की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंटरफेयर किया और उसकी वजह से फिर फाइनली चीफ जस्टिस हैड टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस. आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ दिस प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो रिजाइन. प्रेजिडेंट थे ऑन दैट टाइम मिस्टर फारूक अहमद लगारी हु वॉज फ्रॉम पीपल्स पार्टी. And being president, he had dismissed the second government of Benazir. Yani apni hi party ki government ko unhone dismiss kiya tha. To batoor Wazir-e-Azam Nawaz Sharif ke mind mein aur PMLN ke members ke minds mein ye cheez thi ki wo banda ke jisne apni hi party ki government ko dismiss kiya hai तो वो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट को किसी सूरत में चलने नहीं देगा या उसको डिसमिस कर देगा जैसे ही उसको मौका मिला. क्योंकि ये माइंडसेट इस वजह से था कि हम जैसा कि पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ऑन दैट टाइम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में बहुत शदीद इख्तलाफात थे और दोनों पार्टीज एक दूसरे के कम्प्लीटली अगेंस्ट थी. इस वजह से एक प्लान बनना स्टार्ट हो गया हुआ था कि प्रेजिडेंट को रिमूव किया जाए थ्रू पार्लियामेंट. लेकिन उससे पहले ही प्रेजिडेंट हिमसेल्फ रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस. नाउ इफ वी सी द शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने डेफिनेटली नोट डाउन कर लिए होंगे, आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज हु वर द प्रेजिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन 1997 में पाकिस्तान के सदर और चीफ जस्टिस कौन थे. तो ये उसका आंसर हमने डिस्कस कर लिया. In 1997, the Chief Justice of Pakistan was Justice Sajjad Ali Shah and President of Pakistan was Mr. Farooq Ahmad Laghari. Our next point is presidential elections. As the President, Farooq Ahmad Laghari had resigned, is wajah se President ke liye, Sadr ke liye, intikhabat munakid hue. Those presidential elections were held in December 1997. In those elections, the candidates were Rafiq Ahmad Tarar and Aftab Shaban Mehrani. Rafiq Ahmad Tarar was from PMLN or Aftab Shaban Mehrani, People's Party ki taraf se candidate the. Obviously, as we have discussed, that PMLN had majority on that time, two-third majority thi unke paas. So, Justice retired Rafiq Ahmad Tarar won the elections and he became the 9th president of Pakistan. इस पॉइंट में से एक MCQ आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में सदारती इंतखाबात कब हुए, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है when did Rafiq Ahmad Tarar became the president of Pakistan, that is December 1997. Next point है retired debt adorn the country scheme. It is also known as pay off the loans adorn the country scheme. Urdu mein hai karz utaro mulk samaro mein. In the second government of Nawaz Sharif, the economic condition of country was very poor and the government had to take loans from IMF to make up the budget. Pakistan ki iqtisadi ya maashi surat-e-haal bahut zyada kharab thi. एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, इनकम कंपैरेटिवली उससे बहुत कम थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खसारा या नुकसान होता था, डेफिसिट हो रहा था. टू मेक अप दैट डेफिसिट, उस नुकसान को, उस खसारे को पूरा करने के लिए, अपना बजट बनाने के लिए गवर्नमेंट को IMF से कर्जा लेना पड़ता था. IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आलमी मालियाती फंड, जिसको शॉर्टली IMF कहा जाता है, दैट इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. और जब उनसे लोन लिया जाता था तो ऑब्वियसली फिर उनकी कुछ बातें, उनकी कुछ पॉलिसीज भी मानना पड़ती थी. नवाज शरीफ बीइंग प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड अ स्कीम नोन एज रिटायर्ड डेट अडाउन द कंट्री स्कीम एंड इन हिज स्पीच ही अपील्ड टू द नेशन to pay off the loans. Nawaz Sharif ने एक स्कीम शुरू की और अपनी एक नशरी तकरीर के अंदर उन्होंने कौम से अपील की कि वो बैरूनी कर्जे उतारने के लिए हुकूमत को चंदा फराहम करे ताकि हम अपने बैरूनी कर्जे अदा करके
अपना बजट खुद बना सके. द नेशन वेलकम्ड दिस स्कीम होल हार्टेडली. अवाम ने इस पुकार पर लबैक कहा और बहुत ज़्यादा चंदा कौम ने दिया. हैवी डोनेशंस वर पेड एंड टिल जून 1999 17 बिलियन रुपीज वर कलेक्टेड. जून 1999 तक 17 बिलियन रुपए इकट्ठे हुए. दिस वॉज रिटायर्ड एट एड ऑन द कंट्री स्कीम. आर सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन इज वट इज मेंट बाय रिटायर्ड एट एड ऑन द कंट्री स्कीम. कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम से क्या मुराद है. एक्सरसाइज बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर्स में कई दफा पूछा जा चुका हुआ है. इस क्वेश्चन के आंसर में ये पूरा पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 3 है, ये पूरे का पूरा पॉइंट आपने इसके आंसर में लिखना है. और नेक्स्ट पॉइंट इज राइट ऑफ वोट टू पाकिस्तानीज अब्रॉड. गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट का हक. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके बहुत से शहरी दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, आइदर फॉर जॉब्स या वो परमानेंटली वहाँ पर सेटल हो चुके हुए हैं. बट इन आइदर ऑफ द केसेस उनका अपने मुल्क के साथ कनेक्शन किसी न किसी सूरत में बाकी रहता है. या तो उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, उनका कोई ना कोई रिलेटिव्स यहाँ पर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं, तो उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन अपने कंट्री के साथ बाकी रहता है और वो वहाँ से जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ से अपने मुल्क में बहुत सी रकूम भी भेजते रहते हैं. In 1997, National Assembly of Pakistan passed a bill according to which the government gave the right to vote to Pakistanis living abroad. वो पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में रह रहे थे उनको पाकिस्तान में वोट करने का हक दे दिया गया. यहाँ पर एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन सिस्टम है, जो वोटिंग क्राइटेरिया है, उसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि आपका वोट कास्ट नहीं हो सकता है लीगली जब तक आप खुद पर्सनली मौजूद ना हो. अगर कोई बंदा खुद मौजूद नहीं है तो चाहे उसका आईडी कार्ड भी हो, उसका वोटर आईडी भी हो, सारे प्रूफ्स हो, तो लीगली उसका वोट कास्ट नहीं हो सकता. ये सिस्टम है. लेकिन अब वो जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी थे, ऑब्वियसली सब के सब जो हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था कि वो वोट करने के लिए पाकिस्तान में आएँ और वोट करके फिर चले जाएं. तो इस चीज़ को सामने रखते हुए ये बिल पास किया गया था और जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानीज़ थे उनको ये राइट दे दिया गया था कि वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या बाय मेल या बाय पोस्ट किसी भी तरह से गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी डिसाइड करेगी वो पाकिस्तान में वोट कास्ट कर सकते हैं. Due to this step, the interests of foreign settled Pakistanis towards Pakistan developed. पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो ताल्लुक था पाकिस्तान के साथ, जो उनकी मोहब्बत थी, उसके अंदर इजाफा हुआ. मुल्क के मामलात में उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने मुल्क की मामलात में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लोर क्रॉसिंग. फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी. बिफोर डिस्कसिंग दिस पॉइंट हमें ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि फ्लोर क्रॉसिंग है क्या. ये एक बड़ी कॉमन टर्म है जो कि यूज की जाती है पॉलिटिकली. जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, यानी जो पार्लियामेंट है, असम्बलीज, आइदर प्रोविंशियल असम्बलीज और नेशनल असम्बली और सेनेट, उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है फ्लोर ऑफ द हाउस. यानी उनके जो सेशंस होते हैं जब वो मेंबर्स बैठते हैं, लेजिस्लेशन होती है, डिबेट्स होती हैं, तो वो जो असम्बली का पार्लियामेंट का जो हॉल होता है जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं उसको फ्लोर ऑफ द हाउस कहा जाता है. कॉमनली ये टर्म बोली जाती है. और उसके अंदर सीटिंग्स इस तरह से होती हैं कि दो साइड्स बनी हुई होती हैं,
एक साइड के ऊपर रूलिंग पार्टी की सीट्स होती हैं, जो हुक्मरान पार्टी है उसके नुमाइंदे बैठते हैं, और दूसरी साइड के ऊपर अपोजिशन पार्टी की सीट्स होती हैं। अब अगर रूलिंग पार्टी का यानी हुक्मरान जमात का कोई मेंबर, कोई नुमाइंदा अपने पार्टी लीडर या अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करे, उनको वोट दे, या अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट रूलिंग पार्टी को वोट दे दे, तो इसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है फ्लोर क्रॉसिंग, दैट ही और शी हैज़ क्रॉस्ड द फ्लोर, और वो अपनी पार्टी को छोड़कर उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा। इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ करती थी। इफ़ यू पीपल रिमेंबर इन सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर, हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, सेकेंड लास्ट पॉइंट था केपीके गवर्नमेंट का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि केपीके के अंदर पीर साबिर शाह चीफ मिनिस्टर थे, उनको चेंज करके आफ्ताब अहमद शेरपाव को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। तो पीर साबिर शाह PMLN से थे, आफ्ताब अहमद शेरपाव पीपल्स पार्टी से थे, तो मेजॉरिटी तो इनफैक्ट PMLN की थी वहाँ पर, इसी वजह से उनका चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड था। लेकिन बाद में PMLN के मेंबर्स ने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया था और वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट मेड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, दैट वाज द 14th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अंडर दिस अमेंडमेंट ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली वर बाउंड to give vote of confidence to their own party leader. अरकाने असेंबली को पाबंद कर दिया गया था कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के लीडर को ही एतमाद का वोट दे सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते, अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं, then the violator was to be expelled from party. नाफरमानी करने वाले को पार्टी से खारिज कर दिया जाएगा। Which means that obviously if he or she is expelled from the party, तो उसकी membership of assembly भी automatically cancel हो जाएगी। अब ये point जो है, ये भी short question के तौर पर पूछा जा सकता है, MCQ भी बन सकते हैं इसमें से। हमारा third short question है, how was floor crossing banned and when? Floor crossing पर पाबंदी कब और कैसे लगी? When का आंसर तो इसमें है, इन द सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ। और कैसे लगी? थ्रू 14th अमेंडमेंट ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली वर बाउंड टू गिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टू देयर ओन पार्टी लीडर व्हाइल लीडर वाज टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। तो ये पूरा पॉइंट इनफैक्ट ये इस क्वेश्चन के आंसर में आपने लिखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेंसस ऑफ 1998। In the second government of Nawaz Sharif, in 1998, census held in Pakistan. That was the fifth census in the history of Pakistan. Pakistan ki tarikh ki panchvi mardam shumari 1998 mein hui thi, Nawaz Sharif ke dusre dore hukumat. First census in Pakistan was held in 1951, second in 1961, third in 1972, fourth in 1981 and fifth in 1998. According to this census, the population of Pakistan on that time was more than 13 crores. Mulk ki abadi us waqt 13 crore se zyada thi. This is our next short question, question number 4. What was the population of Pakistan according to census of 1998? 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा थी। अगला पॉइंट है अनाउंसमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान। इन 1998 सैयद गौस अली शाह वाज फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, ही अनाउंस्ड एन एजुकेशनल पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दैट New academic institutions were to be established in Pakistan to uplift the educational standards and to increase the literacy rate in the country. Mulk mein taleem ki sharah ko badhane ke liye naye taleemi idare kholne ka
ऐलान किया गया था। इसमें से इस पॉइंट में से भी ये एमसीक्यू भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यही है, हु वाज द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इन 1998 में पाकिस्तान में वजीर तालीम कौन था? दैट इज सैयद गौस अली शाह। नेक्स्ट पॉइंट इज लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर, नवाज शरीफ के फर्स्ट गवर्नमेंट में जो नेशनल प्लान्स नवाज शरीफ ने स्टार्ट किए, जो कि सेकेंड लास्ट पॉइंट था, उसमें हमने ये पढ़ा था मोटरवे प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ। अंडर दैट प्रोजेक्ट लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, दैट वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मोटरवेज इन साउथ एशिया, वॉज कम्प्लीटेड इन द सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ। इसकी फर्स्ट गवर्नमेंट में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इसकी सेकेंड गवर्नमेंट में ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ। एंड बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज द प्राइम मिनिस्टर, सो ही इनॉग्रेटेड द लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इन 1998। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपील ऑफ क्लॉज 58(2)(b). 58(2)(b) बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस आर्टिकल या क्लॉज है। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, वंस अगेन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 देयर आर डिफरेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 58 यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट आर्टिकल्स या क्लॉजेज हैं, या सिंपली वी कैन से के कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उसमें से जो आर्टिकल या पॉइंट नंबर 58 है, दैट इज़ अबाउट द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल नंबर 58 सदरे पाकिस्तान के बारे में, और आर्टिकल 58 की सब क्लॉज 2 के अंदर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स, उसके इख्तियारात बताए गए हैं। इस सब क्लॉज 2 का जो सेकेंड पॉइंट है, पॉइंट बी, उसके अंदर ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ये अख्तियार है कि वो अगर चाहे तो किसी भी वजह से किसी भी वक्त हुकूमत को बरतरफ कर सकता है या असम्बलियाँ तोड़ सकता। और इसी की वजह से 1988 से लेकर 1997 तक तीन गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में डिसमिस हो चुकी थी। बेनज़ीर की दोनों गवर्नमेंट्स 58(2)(b) की वजह से डिसमिस हुई, नवाज शरीफ की फर्स्ट गवर्नमेंट भी बेसिकली इसी की वजह से डिसमिस हुई थी। अब जबकि PMLN के पास 2/3 मेजोरिटी थी, दे हैड द नंबर विद देम, वो इतनी तादाद उनके पास थी कि वो आइन में तरमीम कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले इस आर्टिकल 58(2)(b) को टारगेट किया कि इसको तो पहले ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से बार बार गवर्नमेंट्स चेंज हो रही हैं। द गवर्नमेंट मेड 13th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एंड the article 58(2)(b) was removed by second government of Nawaz Sharif with the support of opposition. इस amendment को pass करने के लिए opposition ने भी government को support किया था, उन्होंने भी government की हक में, इस तरमीम के हक में वोट दिया था, क्योंकि main opposition party people's party थी और people's party की अपनी दो governments इस article की वजह से, इस clause की वजह से डिसमिस हुई थी। दैट्स वाई अपोजिशन आल्सो सपोर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक ब्लास्ट। ऑन 11th of May 1998 इंडिया डेड 5 एटॉमिक ब्लास्ट। 11 मई 1998 को भारत ने अपनी धमाके किए थे। दिस डेट इज नॉट गिवन इन आवर बुक्स, एडिशनली ये मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर दोज एटॉमिक ब्लास्ट इंडिया स्टार्टेड डे ड्रीमिंग, और इंडियन लीडर्स ने पाकिस्तान को थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की धमकियां देना शुरू कर दी और बहुत सी चीज़ें हुई। इन द मीन टाइम द इंडियन ड्रीम्स वर शटर्ड, भारत के ख्वाब चकनाचूर हो गए।
जो एटमी बदतरी के एटॉमिक फील्ड में सुपेरियोरिटी की जो इंडियन ड्रीम्स थी, दोज ड्रीम्स वर शटर्ड बिकॉज पाकिस्तान आल्सो डिड एटॉमिक ब्लास्ट ऑन 28th of May 1998 एंड पाकिस्तान बिकेम सेवन एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड. बोथ द पॉइंट्स कुड बी आस्क्ड एज एमसीक्यू. दोनों एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए या पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाले ममालिक में किस नंबर पर है. पाकिस्तान ने सेवन एटॉमिक पावर और एटॉमिक ब्लास्ट पाकिस्तान ने किए थे 28 मई 1998 को. नेक्स्ट पॉइंट इज लाहौर डिक्लेरेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन फरवरी 1997 इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर बाय बस थ्रू वाघा बॉर्डर. फरवरी 1999 में भारत के वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी. वो बस के जरिए से लाहौर आए. ही केम विद मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल, खैर सगाली का, दोस्ती का पैगाम लेकर आए थे. नवाज शरीफ बींग प्राइम मिनिस्टर वेलकम्ड हिम एट वाघा बॉर्डर. बोथ द लीडर्स शेयर्ड डिफरेंट प्लान्स टू नॉर्मलाइज म्यूचुअल रिलेशंस एंड एट द एंड अ जॉइंट कम्युनिके वाज साइंड नोन एज लाहौर डिक्लेरेशन. ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये इसकी प्रोनंसिएशन कम्युनिके है. ई के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक्स में भी आपको नजर आएगा, यहाँ पर भी एक छोटी सी स्लैश है. तो इसकी प्रोनंसिएशन कम्युनिके, मुश्तरका एलामिया, यानी दोनों ने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अग्री किया था और वो जो अग्रीड पॉइंट्स थे वो एक प्रेस रिलीज की फॉर्म में, एक अनाउंसमेंट की फॉर्म में, रिटर्न पेपर के ऊपर जो है वो इशू किए गए. दोनों ने उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए, जिसको जॉइंट कम्युनिके या मुश्तरका एलामिया कहा जाता था. और चूंकि वो लाहौर में साइन हुआ था, दैट्स वाई इट वॉज नेम्ड एज लाहौर डिक्लेरेशन या एलान लाहौर उसको कहा गया. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सरसाइज बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है. आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस नोट किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, उनमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यही है, व्हाट इज मेंट बाय लाहौर डिक्लेरेशन. तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये पॉइंट पूरे का पूरा आपने लिखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री ऑफ आर्मी इन टू वापडा, वापडा में फौज की आमद. In 1999, the government of Pakistan handed over WAPDA to army. WAPDA ke idare ko hukumat ne khud fauj ke hawale kar diya. This step was basically taken to root out corruption and load shedding. And this produced encouraging results. Fauj ke control mein bunyadi taur par diya gaya tha, क्योंकि करप्शन और लोड शेडिंग और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी. जब इसको फौज के कंट्रोल में दिया गया इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें प्रैक्टिकली कंट्रोल हुआ, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कमी आई, हौसला अफजा नतज बरामद हुआ. नेक्स्ट पॉइंट है कारगिल इन्वेजन. इन द सेम ईयर 1999 अ वॉर स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट कारगिल. The American president on that time was Bill Clinton. He intervened on the request of India and both the countries announced ceasefire. And our last point is removal of Nawaz Sharif government. Nawaz Sharif ki hukumat ka khatma. Chief of Army Staff General Pervez Musharraf took over and he overthrew the government of Nawaz Sharif on 12th of October 1999. He filed a case of plane hijack against Nawaz Sharif. Tayyara Agwa case ke naam se ek case Nawaz Sharif ke upar bana. General Pervez Musharraf, jo ke Chief of Army Staff the, wo Chief Executive bhi ban gaye the. Unhone sari ki sari powers take over kar li thi. Aur is प्लेन हाईजैक केस में द कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू इम्प्रिजनमेंट. नवाज शरीफ को कैद की सजा सुनाई गई. किसी भी अवामी ओहदे के लिए उनको नाअहल करार दे दिया गया. इन द मीन टाइम ऑन दैट टाइम सऊदी गवर्नमेंट इंटरफेयर, सऊदी गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया. दे रिक्वेस्टेड एंड
Nawaz Sharif, along with his family, was sent to exile. Nawaz Sharif ko jalawatan kar diya gaya. That's how second government of Nawaz Sharif was ended. That's it about today's topic. I hope you people have understood the points and the main concepts. Lastly, there is a short syllabus circulating, which is in fact a proposal still. वो अभी तक just एक proposal है. Final decision उसके हवाले से अभी नहीं हुआ है, अभी होना है. उम्मीद तो यही है कि final उसको कर दिया जाएगा या कुछ थोड़ी बहुत changes शायद होंगी. लेकिन the thing is कि उसमें ये वाला जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है, ये टॉपिक उसमें शॉर्ट सिलेबस में गिवन नहीं है. बट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेक्स्ट टॉपिक्स, अगले टॉपिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टॉपिक को पढ़ना, इसको डिस्कस करना जरूरी था, इम्पॉर्टेंट था. दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक टूडे. At the end, once again, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and like the videos. Videos ko like karne mein koi bahut zyada effort nahi lagti hai, to kindly videos ko like zarur kiya kare. In case of any question, confusion or query, you people are more than welcome to contact me. Thank you very much. Stay blessed and focus on your studies.